ये एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो जी मेन में आया हुआ क्वेश्चन है जी मेन या ए आई ट्रिपल में आया हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन इज फाइंड एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला वाई माइनस टू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन टेंजेंट टू इट एट पॉइंट विथ ओर्डिनेट थ्री एंड एक्स एक्स तो यहाँ पे इक्वेशन के अंदर दो कॉन्सेप्ट्स हैं हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है जो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करते हैं डिफ्रेंशिएशन यूज करके तो हम ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं पहले वी हैव दिस पैराबोला उस वर्टेक्स इज वन कॉमा टू तो यहाँ पे पॉइंट लोकेट करते हैं वन कॉमा टू ओके पैराबोला विल बी कॉन्केव टूवर्ड्स राइट ठीक है ना एक यहां पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दिस इज एक्सेस ऑफ द पैराबोला अबाउट विच पैराबोला ग्राफ विल भी सीमेट्रिकल एंड ग्राफ विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस वेन वाई इज इक्वल टू जीरो सो इफ आई बुड वाई इज इक्वल टू जीरो आई गेट एक्स इज इक्वल टू फाइव तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो ग्राफ है वो कट करेगा जीरो पे ठीक है तो अब हम पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ करते हैं वट एक्स इज दिस इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट फाइव कॉमा जीरो ठीक है ऊपर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं एक्सेस के ओके okay. काफी हद तक परफेक्ट पैराबोला है ये ग्राफ के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए ब्लाइंडली ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो बाउंडेड एरिया हमें दिखना चाहिए वो दिखाई नहीं देगा ओके नाउ वी आर ड्राइंग टेंजेंट टू दिस पैराबोला

तो हम क्या करेंगे पहले टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेते हैं हाउ वी गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर दैट वी डिफ्रेंशिएट कर विद रिस्पेक्ट वी गेट टू मल्टीप्लाय वाई माइनस टू मल्टीप्लाय डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन सो वेन आई पुट वाईज इक्वल टू थ्री इन दिस आई गेट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू दैट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट कर्व इज हाफ Equation of tangent is y minus 3 is equal to half multiplied by x minus 2. Simplifying, we get x minus 2y uh, uh, minus 2 plus 6 plus 4 is equal to 0. Check kalu ek bar calculations. Uh, perfect. So, uh, let us draw the tangent when y is equal to 0, x is minus 4. Okay, and when uh, x is 0 y is 2 so tangent is point. a pass over and minus uh, 4 0 say pass over. so let's draw tangent this is tangent line now we have to find uh, area bounded by this parabola this tangent line and x axis it is this area Okay. कैसे निकालेंगे एरिया एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरिया होगा द रीजन इज हम एरिया uh, को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं फर्स्ट वी हैव दिस ट्राइंगल देन वी हैव दिस अपर एरिया अबोव एक्सेस ऑफ द पैराबोला देन वी हैव एरिया बिलो एक्सिस ऑफ द पैराबोला फॉर अपर

इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाय फॉर दैट वी सेट ऑब्जर्वर आई ही अगर आप इस साइड से देखेंगे तो आपको अपर कर क्या दिखाई देगा पैराबोला एंड लोअर कर इज स्ट्रेट लाइन द लिमिट ऑफ वायर फ्रॉम जीरो टू थ्री जो ये एरिया बन रहा है उसमें वाई की लिमिट्स क्या है इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए हमें वाई को लेना पड़ेगा जीरो से थ्री सो so, Area A is equal to limits of integration are from 0 to 3. Upper curve is uh, now x in terms of y. How simple? x is uh, y minus 2 square plus 1. This is upper curve minus lower curve is uh, x is equal to 2y minus 4. Okay, now integration is uh, y minus 2. Q upon 3 1 plus 4 5 integration is 5 y 2 y ka integration over y square. So we have minus y square limits from 0 to 3. Uh, put 3 here, we get 1 upon 3 plus 15 minus 9 and put 0 we get uh, minus 8 upon 3. वन अपॉन थ्री प्लस एट अपॉन थ्री नाइन अपॉन थ्री दैट मीन्स थ्री थ्री प्लस फिफ्टीन एटीन एटीन माइनस नाइन नाइन सो एरिया इज नाइन स्क्वेयर यूनिट्स तो इस क्वेश्चन में एक अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि हमने वाई वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया ये हमें डिसाइड करना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके एरिया आसानी से निकाला जा सकता है